राजस्थान का लड़का और इटली से आई दुल्हन, दोनों में दोस्ती हुई, प्यार हुआ और फिर शादी, वो भी एकदम भारतीय स्टाइल में। हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक दोनों ने जैसलमेर में सात फेरे लिए। शादी में शामिल होने के लिए खास तौर से दुल्हन के परिवार के 30 लोग भारत आए। अब इस शादी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, ऐसा क्यों है देखिए। विदेशी दुल्हन, देसी दूल्हा और शादी का खालिस भारतीय अंदाज। इटली के रहने वाले क्रिस्टीना और राजस्थान के रहने वाले ऋतुराज। दूल्हे का शादी वाला भारतीय लिबास और हाथ में तलवार, तो साड़ी में सजी धजी दुल्हन। राजस्थान के जैसलमेर में इस विदेशी जोड़े का हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। 2019 में दोनों की मुलाकात हुई थी, फिर दोस्ती हुई, फिर प्यार परवान चढ़ा और मामला शादी तक जा पहुंचा। 6 मार्च को जैसलमेर में दोनों ने सात फेरे भी लिए, लेकिन दोनों की शादी का एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है, जिसमें शादी में मौजूद लोग जमकर एंजॉय करते दिख रहे हैं। फेरों के बाद जूते चोरी की रस्म हुई। इस दौरान दूल्हे और दुल्हन के परिवार के लोगों के बीच भगदड़ सी मच गई। इस दौरान एक युवक जमीन पर नीचे गिर गया, लेकिन फिर भी लोग रस्म का मजा लेते रहे। विदेशी मेहमानों के साथ शादी में रस्म का ये वीडियो काफी रोमांचित करने वाला है। इनसे जो मेरी मुलाकात हुई थी क्रिस्टीना से, वो मेरी जयपुर में हुई थी आज से करीबन 5 साल पहले। तो पहले हम एक दूसरे को मतलब ऐसे ही एज अ फ्रेंड जानने लगे, मेरा बिजनेस था वहाँ पे जयपुर में। फिर उसके बाद में ये घूमने आई थी मैं। नहीं, ये इनकी इंटर्नशिप करने आई थी वहाँ पे 6 महीने के लिए। इनके लिए भी पहली बार ही था इंडिया में और सारा नया कल्चर था, क्योंकि ये यूरोप से है तो वहाँ पे एकदम सब कुछ मतलब यहाँ से कल्चर एकदम डिफरेंट है। आपसे कैसे मिलना हुआ? मेरा जिस नेबरहुड में ये आई थी वो उसी में मेरा बिजनेस था, यही रिटेल का और होलसेल का इस तरीके का। तो वहाँ पे एज ए कस्टमर ये मुझसे मिली थी। आपको बता दें कि क्रिस्टीना का परिवार शादी में शामिल होने के लिए इटली से जैसलमेर पहुंचा था। भारतीय परंपरा और हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक शादी पर क्रिस्टीना खुश है, तो उनके परिवार के लिए भी ये शादी यादगार बन गई। संदीप मीणा, दौसा, गुड न्यूज़ टुडे।